गाइज आई एम बैक और गेस वॉट मैं आज यू नो आरिंग माई ऑफिस यू नो मैं लोगों से मिलता रहता हूँ सो आई एम मेट दिस पिटी लुकिंग यंग गर्ल बर्डिंग जर्नलिस्ट वो ओबियसली शी वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ आर टीम हमारी टीम का पार्ट बनना चाहते हैं तो शीसलाइ नो सर मुझे करना है मुझे करना है हाउ कैन वी डू दर ठीक है यू इंटरव्यू मी फर्स्ट बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर न्यू जो मेरे को नहीं जानते हैं मेरे को जानना चाहते हैं वोट हैव बिन थ्रू मैं मेरी पास्ट हिस्ट्री क्या है डी पास हिस्ट्री इतना कोई खराब नहीं है यू नो सो हु पर्सन टू इंटरव्यू में कौन मुझे इंटरव्यू कर सकता था बिकॉज आई वॉज गेटिंग मनी रिक्वेस्ट जर्नलिस्ट की वी वॉन्ट टू नो यू एस यू नो वट वी शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी समबडी हु यंग एस्पायरिंग आपको पता है की प्रमोटिंग टैलेंट सो मुझे लगता है दिस गर्ल इज़ वेरी टैलेंटेड एंड अ वेरी वेरी शी गो नो वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया बहुत जल्दी होगा वो अभी बहुत छोटी है वो बहुत छोटी है वो बट शी गो नो भी वर्किंग विद अस राइटिंग फर अस इंटरव्यूंग फॉर अस एंड आई एम प्राउड टू इंट्रोड्यूस जर्नलिस्ट दिव्या दिव्या वेलकम सो मैं एक बार आपको दोबारा इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने बारे में आई एम दिव्या मल्होत्रा एंड आई एम फीलिंग वेरी वंडरफुल कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल पाई कि मैं आप लोगों तक सर के बारे में बता सकू पहुँचा सकूँ कि ऑब्वियसली अगर एक इतनी प्यारी और इतनी बढ़िया पर्सनालिटी है तो आप जानना चाहेंगे बारे में <laughs> जानना चाहेंगे कि क्या उनका पास रहा और कैसे वो इस इतनी बढ़िया लाइन में आए और कैसे वो प्रमोट कर रहे हैं लोगों को तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिस्पेक्ट यू अर लॉडेक्ट आई रिस्पेक्ट यू टू बट यू नो इसको ना हम टीवी इंटरव्यू बनाएंगे बड़ा कैजुअल रखते हैं लाइक यू आर टॉकिंग टू मी राइट ठीक है गाइस डू ड्रॉप मी अ कमेंट कमेंट छोड़ना कि हाउ डू यू थिंक लिवियाज इंटूइंग स्किल्स आर राइट आई एम श्योर इसकी इंटूइंग स्किल्स और मुझसे भी बहुत-बहुत अच्छे हैं मेरे कोई इतने खास नहीं रहा रहा है बट आई श्योर शी इज यंग शी हैज गॉट बेटर स्किल्स देन आई डू सो कैन स्टार्ट किससे स्टार्ट करें बताओ आप सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में कि आप कैसे एक फिटनेस उस लाइन में आए कैसे

कम्फर्टेबल सेफ़ लाइफ बट मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ में मुझे लग रहा था मैंने क्या करा है राइट और मैंने मैं सेंट स्टीफन से मैंने हिस्ट्री करा हुआ है मैंने तुम्हारी तो, तुम जर्नलिज्म कर रही हो अभी आई done डन जर्नलिज्म Indian इंडियन सी डो मैं बाहर से मैंने एम बी ए करा हुआ है सब कुछ कर रहा था बिकॉज मैं कन्फ्यूज था मैं चाह पता नहीं था मैं करके आ रहा हूँ राइट तो मैं दस साल बारह साल तक काम करता रहा इन्हीं कंपनीज में फिर मुझे एक दिन रियलाइज हुआ भाई कुछ करना है जो जो करना है जो मुझे करना है सेटअप यू नो फिटनेस कंपनी फिटनेस कंपनी ऐसा था कि इट वॉज अबाउट हेल्पिंग पीपल जिनको घर पर ट्रेनर्स की जरूरत है आलसी लोग होते हैं जो जब मैं जा नहीं सकते तो उनके लिए हमने कंपनी क्रिएट करी एक ऐप डेवलप करी एंड इस डूइंग वेल फिर मुझे लगा कुछ और करना चाहिए तो मैंने वो कंपनी बेच के

तो द डे आई डिसाइडेड कि मैं ये करूँगा तो मेरे चैनल की बुनियाद मेरी इन्फॉमेशन की बुनियाद सच होगी ऑनेस्ट होगी uh, मैं कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा जो है वो है तो दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई स्टारेड लोगों को नजर आने लगा वो एंड दैट्स हाउ दिस होल यूट्यूब जर्नी स्टार्टेड उसके साथ साथ हमने यू you नो know, एक चीप सप्लीमेंट भी लॉन्च कर दिया इंडिया में वी लॉन्च किया मैगजीन नाउ एंड आई गॉट टू मीट यू नो एंड एंड मेरा हमेशा लाइफ का ये रहता है कि

वो छुपता नहीं है कभी भी hmm. बेशक सपोर्ट ना मिले लेकिन अगर एक सही सपोर्ट मिल जाए तो वो टैलेंट बहुत उभर जैसे कि, सर आप टैलेंट को देखता रहता हूँ <laughs> कि मेरी जॉब आसान हो जाए hmm. तो सर मेरा पहला आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि फिटनेस क्या है आपके अकॉर्डिंग टू यूर मेरे अकॉर्डिंग फिटनेस की डेफिनेशन बहुत अलग अलग रही है लेट टीन्स मेरा फिटनेस थी कि आप शुड लूज़ वेट मेरा वेट लूज़ हो जाए पतला हो जाऊँ मैं ताकि लड़कियाँ मेरे से और अट्रैक्टिड हो जाए राइट थोड़ा मैं और बड़ा हुआ ट्वेंटीज़ में फिटनेस टू मी वॉज अबाउट सिक्स पैक यू नो गेटिंग रेप मस्कुलर हो जाऊँ ताकि और मैं कपड़ों में अच्छा लगूँ देन आई रीच माई अर्ली थर्टी जो मैं हूँ अब मेरा फोकस इज मोर अबाउट बींग मोर फंक्शनल हाउ केन आई कैन हेल्प पीपल सो फिटनेस मेरे लिए इज ऑल अबाउट हेल्थी बॉडी और आपकी बॉडी आपके साथ क्या कर सकते हो आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर सकते लोग ये भूल जाते हैं कि आप सब कुछ लेते हो और मैंने सब कुछ लिया भी मैंने अपने यू यू नो व्यूअर्स को बताया हैव हैव टेकन टेकन मच एवरी एवरी जूस दैट दैट कैन थिंक ऑफ सप्लीमेंट आई इसके साइड इफेक्ट्स मुझे आज भी बहुत तंग करते हैं क्योंकि मैं तभी लोगों को भी बताता रहता हूँ स्टे अवे फ्रॉम इट इसका कुछ नहीं निकल के आता यू लोनली नो बिकॉज जब आप कोई चीज़ गलत चीज़ लेते हो इंजेक्टेबल्स कुछ भी लेते हो शायद तुम्हें तो पता हो ना पता yeah. हो बट इसके साइड इफेक्ट्स आपकी फैमिली आपके साथ भुगतती है आप तो भुगतते yes, ही हो बिकॉज uh, तो मैं यही लोगों को बताता रहता हूँ तो माई डेफिनेशन ऑफ फिटनेस नाउ इज टू एजुकेट द यूथ ऑफ द कंट्री यू नो अच्छा है बॉडी के लिए यू नो यू शुड वर्क हार्ड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ अपनी हेल्थ को सेफ रख के चलें कुछ भी करें जैसे ट्रेनिंग जैसा खाना क्लीन ईटिंग क्लीन सब कुछ बट स्टे अवे फ्रॉम दीज ड्रग्स एंड यू नो सो थिंग जो आपकी बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं दैट्स ऑफ ऑफ फिट एंड एजुकेटिंग द द यूथ कंट्री कि आप कैसे फिट रह सकते हैं मेरा ये छोटा सा मोटिव है सर जैसे सभी को ही पता है कि एक Connect नाम से आप एक इवेंट करते हैं जिसमें को, को तो, आपको आपको है है है, है, हाँ। <laughs> तो बुनियाद भी बहुत सिंपल रही है वो ये थी कि तुम भी मिली हो कई जर्नल फिटनेस ट्रेनर्स वगैरह से तुम मुझे बता रही थी क्या नाम है उनका रोहन बारुआ सर रोहन बरुआ कौन से जिम में है वो Uh, उन, उन, जर्नरल तो मैनेजर तो और एक वहां जय चौधरी नाम के ट्रेनर, ट्रेनर है. है, है अच्छा जिन्होंने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की उन्हें प्रमोशन के लिए कोई नहीं मिल पा रहा है जहाँ पर भी वो जाते हैं शायद इसलिए कि हाँ मैं कहना नहीं चाहूंगी बोलो बोलो आ, अपना चार बिंदास बोलने का हाँ, कि उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रही तो उनको अपनी न, थोड़ा सा आ जाता है कि यार क्या हम यूपी से हैं शायद इसलिए हमें टैलेंट नहीं मतलब हमारे टैलेंट को प्रमोशन नहीं मिल रही है तो मैं सर uh, ऐसे ही लोगों के बारे में चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो ऐसे कई लोग हैं जो छोटे बड़े शहर की बात नहीं उन्हें लगता है कि बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट ही ऐसी जहाँ पर रिकोग्शन बहुत कम है लोगों का सरकार से सपोर्ट नहीं है कहीं से सपोर्ट नहीं है so, सो मैं भी यही सोचता था जब मैं लोगों के इंटरव्यू करे थे बॉडी बिल्डर्स के इंटरव्यू करे मैंने मुझे नज़र आया कि यार इनके पास तो एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे शो कर सके तो दैट्स वाई एक हमने टी कनेक्ट की शुरुआत करी जहाँ पर हम सारे एथलीट्स को बुलाते हैं लोकल एथलीट, छोटे शहर के एथलीट गांव के एथलीट्स यू नो इंटरनेशनली सिर्फ इंडिया को प्रमोट करना है हमने मुझे इंटरनेशनल एथलीट से कोई लेना देना नहीं है ना मैं कभी रहेगा सिर्फ मेरे स्टार्स मेरे इंडियन एथलीट्स हैं वो शो पे आते हैं अपनी यू you नो know, अपनी बॉडी वर्क दिखाते हैं अपनी बॉडी दिखाते हैं, फ्लेक्सिंग करते हैं सब करते हैं एंड कुछ अंडर प्रिवलेज लोग आते हैं कुछ फिजिकली चैलेंज लोग आते हैं जैसे किसी के टांग नहीं है किसी के हाथ नहीं है तो हम उनको मैंने देखा लाइक पीपल व्हीलचेयर मिस्टर तो हमने उनका इंटरव्यू करा एंड टू स्पोंसर एज मेपल इसी वजह से कुछ सपोर्ट मिले कुछ कनेक्ट so और कुछ कमाना नहीं है इसमें से क्या सबको लगता है कि हमें क्यों करते हैं कमर्शियल है वाई डू वी डू दिस इसका इंटेंट क्या है आप क्यों करते हो भाई सिंपल इंटेंट है टू सपोर्ट इनक्रेज द यूथ ऑफ द कंट्री दी एस्पायरिंग एथलीट ताकि आपको प्रमोशन मिले उनको सपोर्ट मिले और कंट्री आगे जा सके इस फील्ड में और हमें हर सिटी में कर रहे हैं बाय द वे हमने छः सिटीज़ कवर कर चुके हैं एन आर बी कवरिंग एवरीवेयर इन इंडिया जहाँ जहाँ लोकल टैलेंट चुपा उनको बाहर निकालेंगे तो दैट्स द आइडिया ओके

बॉडी बिल्डर्स फिटनेस मोर इनके पास टाइम बहुत कम होता है अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए right. और उनकी उन्होंने अपने पैसा अपनी बॉडी से कमाना है। तो उनको बॉडी अच्छी दिखानी अब आप, आपको तो अच्छा लगेगा नहीं कि आप मोटा हीरो देखने जाओगे वो शर्ट उतारेगा वुड यू लाइक इट नहीं अच्छा लगेगा तो उनको एक अपनी परफेक्ट कंडीशन दिखानी है वो उस कैरेक्टर के लिए चाहे वो भाग मिलकर भाग का फरहान हो चाहे वो गजनी का आमिर हो राइट एक परफेक्ट कंडीशन चाहे वो ऋतिक रोशन हो क्र स्त्री अब यंग लड़के देखते हैं लगता है यार हमें भी ऐसी बॉडी बनानी है वो भूल जाते हैं कि वो बॉडी कैरेक्टर के लिए उनका जैसी मूवी ख़त्म हुई है वो नॉर्मल हो गया उनकी वो बॉडी वैसी नहीं है वो फिफ्टी परसेंट डाउन होगी बिकॉज उन्होंने शायद मैं हमेशा बोलता हूँ कैरेक्टर के लिए शायद चीज़ें लेते हैं नहीं लेते बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है वो लेकिन मोस्ट ऑफ दाइम लेते हैं फॉर सिंपल क्योंकि उनका उनकी जॉब है उनका उनको उनकी बॉडी से पैसा कमाना है सो दे विल टेक सर्टन थिंग दे विल डू सर्टन थिंग जो उनकी बॉडी एक्सेंचुएट कर सके इनहस कर सके लेकिन वो लेते हैं

अच्छा हाँ, देखा था मैंने तुमने वीडियो देखा था वो हाँ जी वाओ ये तो मेरे लिए भी नई बात है अच्छा इंजेक्शन ले रहे थे वो वहाँ पर साइड में एक दिखाया था कि कहीं से इंजेक्शन लिया उन्होंने तो सर उससे भी बहुत लोग हो गए थे तो इंजेक्शन देख रही भाई तो <laughs> उससे भी बहुत लोग हो गए थे कि यार ये जो बॉडी बनी है वो इंजेक्शन से बनी है जबकि जो बाकी उन्होंने हार्ड वर्क किया उस पर इतना ध्यान नहीं गया किसी का मेरी एक बात बताओ दिव्या मैं तुम्हें कट शॉर्ट करूँ यहाँ पे आमिर खान है मैं और किसी को डिफेंड नहीं कर रहा गया। मैं आपको सीधी बताता हूं। आमिर खान yeah. 52? 52 उम्र में ही उनकी बॉडी देखो उनकी मोटिवेशन देखो उनकी लगन देखो अपनी क्राफ्ट को लेकर अपनी स्किल को देखे मुझे एक बार बताओ योर डैड भी इस एज में आके आप इतना अपनी बॉडी को पुश करो इतना आप एक लेवल पे ला रहे हो कि आपकी यंग लड़कों को भी आप पीछे छोड़ रहे हो राइट right? और हमें हमेशा बोलता रहा एक लेवल के बाद ट्वेंटी एट थर्टी के बाद आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है जिससे बॉडी ग्रो करती है वो कम होना शुरू हो जाता है फिफ्टी की एज में आमिर खान इज डूइंग दिस आई एम नॉट गोइंग टू टॉक गबाउट क्या इंजेक्टेबल्स है हैं क्या है वो है कभी -कभी लेना पड़ जाता है बिकॉज ऑफ की मुझे आई सीन दैट वीडियो सो मैं बोलूंगा नहीं कि उन्होंने लिया है नहीं लिया बट आप लेके भी बना के दिखा दो इट्स इम्पॉसिबल

वो सब कुछ कट ऑफ कर लेते हैं दुनिया से अपने आप को तीन महीने चार महीने कोई भी बड़ा एक्टर होगा और वो सिर्फ यही करते हैं उनके पास पैसा है उनके पास डाइटिशियन है उनके पास डॉक्टर्स हैं उनके पास ट्रेनर्स हैं बताने के लिए आपको ऐसे ऐसे करना है ज़रा सा ब्लड प्रेशर ऊपर हुआ यू नो दे चेंज दिस थिंग एंड पुट अनदर थिंग ज़रा सा केलेस्ट्रॉल ऊपर हुआ चीज़ें बदल ली यहाँ पर कौन करेगा आपके लिए यहाँ पे तो यू ये इन हॉस्पिटल आपने देखा भी होगा अभी हफ्ता दस दिन पहले अ गाय हु डाइड ऑफ अब्यूज किसी ट्रेनर ने उसको दे दिया फेसबुक पर बहुत फेस बहुत ट्वीट का बहुत वायरल थी उसका अंजाम यही होगा बिकॉज अगर आप ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है आपको लगता है कि आप बॉडी बनाओगे स्टेरोइ अ शॉर्टकट इज नॉट अ शॉर्टकट ये मैं आपको फिर बोलूँगा गैस मैं आपको फिर बता रहा हूँ इट्स नॉट अ शॉर्टकट देर इज नो ड्रग इन दिस वर्ल्ड विच कैन रिप्लेस हार्ड वर्क आपको लगता है मैंने कोशिश करके देखी यार कि मुझे लगा कि मैं ये ले लूँगा सब कुछ खा लूँगा तो हो जाएगा कुछ नहीं होगा नथिंग विल हैपन इट्स अ हार्ड वर्क और ये बड़ी पर्सनल चॉइस होती है ड्रग्स लेना कि वो ले रहा है मैं भी लूँगा Uh, मैं भी बनाऊंगा लेकिन तो उसका अंजाम मैंने जैसे कहा आपकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा सो डोंट डू दिस अनलेस एंड अनटिल आपके एस्पिशन दूसरे हैं आपके पास डॉक्टर्स हैं आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं बता रहे हैं दैट्स वाई दीज इंटरनेशनल एथलीट्स हैं इनके पास सब कुछ होता है so, हमें उनके जैसा लगना है लेकिन हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा ना ऐसे डॉक्टर्स लाने पड़ेंगे ऐसे ट्रेनर्स लाने पड़ेंगे जिनको नॉलेज है और वो दिल कम विद अ बिग बिग हैवी प्राइस टैग

खुद ही आंसर दे दिया उसका मील कितना करें तो अपना भी पतले हो जाएंगे so, yeah, देखो मैं एक बात बताता हूँ लड़कियों को लेकर आई थिंक जो वेमेन है ना अगर तुम्हें शायद पता हो ना भगवान ने ना जो वेमेन है ना उनको थोड़ा फैट ज्यादा दिया कम्पेयर टू तो अ मैन yeah. तभी तो आप देखोगे जो एक एवरेज बॉडी फैट होता है आदमी का विच इज सम बिटवीन फिफ्टीन परसेंट लड़कियों का ट्वेंटी फाइव परसेंट है बॉडी फैट क्यों क्योंकि उनको फ्यूचर में जाके कंसीव करना uh, उनको फ्यूचर में जाके यू नो दे हैव टू गिव बर्थ टू अ बेबी तो होता क्या है आप नेचुरली आपकी बॉडी में काफी फैट है fat मतलब it's a good fat, भगवान की देन है वो अब लड़कियां सोचती हैं कि हमें जीरो पतले होना है हम 25 से you know, 20 पे आएंगे पंद्रह करती है स्टॉप करती है खाती नहीं है लेकिन वो होगा क्या वो बड़ा टेम्प्रेरी होगा एग्जाम्पल करीना कपूर ऑफ टैशन याद होगी छोटी होगी देखी होगी साइज जीरो अब तुम करीना कपूर को देखो कितना टेम्प्रेरी था नहीं था yeah. तो यू सी मैनी जो पहले कैसी थी स्टाफ कर कर के डाइट स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर करके कर पतली हो गई और जैसे उन्हें नॉर्मल खाना शुरू किया उन्हें रियलाइज हो गया बहुत है मेंटेन नहीं हो पाएगा जैसे तुम्हें तो शादी होगी यू हैव रिस्पॉसिबिलिटीज या शादी नहीं भी हुई कब तक अपने आप को कम खाते रहोगे तुम तो? कब तक इवेंचुअली यू विल गिव इन तो चीज़ें वो करो जो परमानेंट है अगर आपको पतले भी होना है सो हैव अ रूटीन जो आप पूरी लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सको यानी कि मैं मेरे को शादी में जाना है तो मुझे उस ड्रेस में फिट होना है तो मैं पंद्रह दिन कुछ नहीं खाऊंगी मेरी शादी आ रही है आई वॉन्ट टू लुक द बेस्ट ऑन माई वेडिंग डे मैं कुछ नहीं खाऊंगी मुझे ड्रेस में फिट होना वो एक साइज पहले छोटी लेती है ताकि उसमें फिट आ जाए फिट तो आ जाएंगी लगेंगी भी अच्छी लेकिन जैसे ही हनीमून पर जाएंगी शादी के बाद आएंगे बूम पेट के नैट तो लेट्स डू थिंग्स आर परमानेंट इन नेचर एंड लविंग योर बॉडी हर एक की अपनी प्रॉब्लम है लाइफ में हर एक का एक स्ट्रॉन्ग एरिया हर एक का एक वीक एरिया हम लोग क्या करते हैं हम जैसे ही आ, हम अपना वीक एरिया पता लगता है हम अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज भूल जाते हैं हमें सिर्फ वीकनेस ही नज़र आती है मैं ये नहीं पहन सकती क्योंकि इसमें तो मैं मोटी लगती हूँ अरे मेरे इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती वो चीज़ अच्छी नहीं लगती अंडरस्टैंड जैसी वो होती है इट्स 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 इनर आप आपको मिस वर्ल्ड नहीं ढूंढ रहे हो यार देर इज नो सच पर्सन है अंदर अगर आपकी नेचर इफ यू आर अट्रैक्टेड टू सोचो ना एक एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की बट टॉक रूड है लोग अगर आपका मन अच्छा है तो तन अपने आप अच्छा दैट्स दैट्स व्हाट फिटनेस इज अबाउट हार्ट एंड सोल योर बॉडी इज हैप्पी व्हेन यू गिव फूड टू इट खाना खाना डालते रहोगे आप खुश रहोगे अच्छे रहोगे जब खाना नहीं जाएगा तो तुम परेशान तो क्रैंकी तो रहोगे यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा मैंने खाना नहीं खाया सो दैट्स व्हाट बेली फैट का एक सिंपल सॉल्यूशन है ईट एंड बी हैप्पी विद योरसेल्फ एंड लव योर बॉडी गुलेब आर यू डन विद इंटरव्यू हो गया सो गाइस मुझे पता अच्छा एक सवाल हो

पर्सनल ट्रेनर इस समी जो आपको मोटिवेट कर सके जो आपको बता देखो आपके सर पे तो रहेगा नहीं यू नॉ सेलिब्रिटी के आपके सर बिठा के रखोगे कि ये खाना वो खाना इज ऑफ नो यूज नो बड़ी कैन इट राइट पर्सनल ट्रेनर जॉब एवरी पार्ट ऑफ दर जगह पे ये कि आपको बताना करना आप ही ना आपको सेल्फलेस होकर इस तरह जॉब ऑफ अ डॉक्टर वो आपको बता सकता है आपको डायग्नोज करके आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आपकी बॉडी में यह प्रॉब्लम आप ये करेंगे सेम जॉब इज ऑफ अ ट्रेनर आपको आपका वीक कैरियर देख के बता सकते हैं आपको ये करना चाहिए एन आई हेल्प यू डू दैट दस जवाब पर्सल लेकिन उसी की आड़ में कई पर्सनल ट्रेनर ये करते हैं आपसे पैसा बनाने की कोशिश करते हैं वो आपसे पैसा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं आपको कुछ अलग अलग चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं चाहे वो सप्लीमेंट हो इंजेक्टिव हो कुछ हो इट्स नॉट देयर फॉल्ट सरकार से पैसा नहीं है ना सैलरीज कमाए तो वो भी कहाँ से पैसा कमाएंगे उनको भी तो आप ही से पैसा कमा तभी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं द पॉइंट वी हैव टू चेंज दैट दट वॉट हम कोशिश कर रहे हैं थ्रू टी जी कनेक्ट थ्रू आई एम रीचिंग आउट टू लॉर्ड ऑफ बिजनेस एंटिटीज चाहे वो इंडिगो हो चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो जो आगे हैं